Very very good evening bachcho, once again I am with you for the next session of my practice set. There are some questions and they are mixture, means there are common errors, there are sentence improvement, there are sentence fillers, there is a closed test passage, there are some PQRS means sentence arrangement, there are some words, idioms and one words. It means each and everything you can find here in this practice set. ये एक प्रयास है ताकि आगे जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं और आगे जो होने वाले हैं इन सभी एग्जाम्स में हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेहतर करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट्स की अनुपलब्धता की वजह से, चूंकि उनके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं, मैं एक प्लेटफॉर्म दे दूंगा आपको ताकि ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए। आप मुझे भी एक सुझाव दे सकते हैं कि आगे दो में से एक चीज मैं कर सकता हूं। एक है कि रेगुलर में प्रैक्टिस सेट्स आपको देता रहूं, वो प्रैक्टिस सेट्स एमबी के हो सकते हैं, आरएस के हो सकते हैं, या मेरे अपनी प्रैक्टिस सेट्स हो जो मैं पर डे आपको सॉल्व कराता जाऊं, एक आध दिन बीच में गैप्स हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज मैं आपकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊं, जैसे कंडीशनल सेंटेंस है तो जो भी 10 20 50 100 एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो मैंने करा दिया, जो क्वेश्चन टैग्स के एक्सरसाइज होती हैं वो मैंने करा दिया, जो इन्वर्जन की एक्सरसाइज है वो मैंने करा दिया, जो पॉजिटिव वर्ब की है वो करा दिया मैंने, टेंस से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो करा दिया मैंने, जो आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव अलग अलग जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके टॉपिक वाइज वो सब एक एक दिन दो दो दिन का सिलेबस बना के मैं इतना सॉल्व करा दूं कि आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो सॉल्यूशन मैं दूं आपको वो सॉल्यूशन केवल कॉमन एरर्स का ना हो, वो सॉल्यूशन आपके कॉमन एरर के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस फिलर्स का भी, यानी वो पूरा टॉपिक यानी पूरा सब्जेक्ट जो कुछ भी आता है वो मैं तैयार करा दूंगा, ये बेहतर रहेगा। या जो केवल प्रैक्टिस सेट्स आपके जो मैंने बनाए हैं जो एमबी वगैरह में हैं वो मैं सॉल्व कराता जाऊं, मुझे लगता है जो पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं वो बेहतर है क्योंकि टॉपिक वाइज आप पूरा सॉल्व कर लेंगे सारी एक्सरसाइजेस के थ्रू, मैं उनके रूल्स आपको समझाता जाऊंगा, उनकी बारीकियां समझाता जाऊंगा, आपको मैं प्रिपेयर कराता जाऊंगा। ये एक समय ऐसा आएगा जहां कहीं से कुछ भी आप कर सकते हैं, इसमें उन बच्चों का भी बहुत लाभ होगा जो बच्चे कहीं अपने को मॉडरेट महसूस करते हैं कि आप ये कर रहे हो कोई चीज, आप कॉमन एरर आ रहा हो, मैंने बताया कि यहां पे ये सॉल्यूशन है आपका, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वहां पे क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं। तो अगर टॉपिक वाइज आप चाहेंगे तो टॉपिक वाइज कराया जा सकता है, या पूरा प्रैक्टिस सेट्स में जो भी एमबी वगैरह में है या जो मेरे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो रेगुलर सॉल्व कर लें, मास्टर हो जाए आप। और वो इंग्लिश जो लोगों की प्रॉब्लम्स का एक वजह बनी हुई है, मेंस तो कहीं कहीं कॉज ऑफ फेलियर बनी हुई है, आप उसे दूर कर लें और आप कह सकते हो इंग्लिश इज इजी, कि इंग्लिश बहुत आसान है। बताइएगा जो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और उन सुझावों पे मैं जहां तक हो सकता है मैं उनमें लागू करने अमल करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स सी दिस सेशन ऑफ मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, ओके लेट्स सी दिस इज ए कॉमन एरर बिफोर यू, देखें और बताएं क्या गलत है आप। This is the only one of his performances that deserve standing ovation or a big round applause. Standing ovation समझते होंगे या big round applause समझते होंगे, जब खड़े होकर के लोग तालियां बजाते हैं तो फिर वो standing ovation होता है या big round of applause means आपकी प्रशंसा करते हैं। क्या गलत है आप यहां, गलती आपकी This is the only one of his performances है या that deserve standing ovation है या are a big round of applause है, क्या गलत कर सकते हैं। अगर आपने मेहनत पे लेवल पे मेहनत किया हो तो निश्चित ही ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं आप। देख
अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ए में कोई एरर है, दिस इज द ओनली वन ऑफ इस परफॉर्मेंसेस, तो नहीं गलत है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है तो सही है, वन ऑफ इस परफॉर्मेंसेस, दैट सही है। दैट क्यों सही है? क्योंकि जब आपने ओनली वन का प्रयोग किया है तो ओनली वन हमेशा याद रखिए दैट ही है। ओनली अगर प्रयोग है तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा दैट होता है, ठीक है। तो यानी यहां पर आपका जो दिस इज द ओनली वन ऑफ इस परफॉर्मेंस, ये भी सही हो गया, दैट सही है। फिर इसके बाद है डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन, डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन, ये दैट किसके लिए है? अगर आपको लग रहा है कि दैट परफॉर्मेंसेस के लिए है तो आप गलत समझ रहे हैं। ये दैट जो है ये ओनली की वजह से है, और अगर दैट का प्रयोग, यानी इस दैट का प्रयोग अगर इस ओनली की वजह से है तो दैट प्लूरल नहीं हो सकता है, और अगर दैट प्लूरल नहीं हो सकता है तो ये जो डिजर्व है ये क्या है? गलत है। समझ रहे होंगे, ज्यादातर बच्चे देखिए समझ रहे हैं, यानी यहां पे जो डिजर्व है वो डिजर्व नहीं, क्या हो जाएगा इसमें? एस जोड़ दीजिए, डिजर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट की वजह से। अगर यहां पे वनली नहीं होता, मान लीजिए यहां पे वनली नहीं होता, होता यहां पे दिस इज वन ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस, तो फिर दैट आपका नेसेसरी नहीं होता, यहां पे विच का प्रयोग कर लेते आप और तब यहां डिजर्व सही होता, क्योंकि विच किसके लिए हो जाता? परफॉर्मेंसेस। बट ऐसा कुछ है नहीं यहां पे, तो फिर यहां पे आपका दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस दैट डिजर्व, यहां डिजर्व नहीं होगा, डिजर्व हो जाएगा, क्योंकि दैट सिंगुलर चलेगा, दैट डिजर्व, यानी क्या तैयार कर ले? अगर ओनली वन ऑफ है तो फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा और वह कभी भी प्लूरल नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, तो दैट डिजर्व हो जाएगा। समझ में आया? याद कर लीजिएगा, काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मैंने पहले कहा मिक्सचर है, यानी अलग अलग हैं, आप एक को मतलब लॉजिकल वे में नहीं जा सकते, अलग अलग अगर करेंगे तो कहीं कहीं आप लगेगा हाँ ठीक, आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। बोले क्या गलत है, मीन्स कौन सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर नो इंप्रूवमेंट आपको करना हो, सोच लें। रिमेन्स, तो रिमेन्स समझते होंगे, अवशेष को कहते हैं, यही रिमेन्स हो, एज कैशर्स, यानी जो कैशर्स के किलो वगैरह के रिमेन्स होते हैं, फॉर्म और सब्सटेंशियल पार्ट, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा, हिस्से का निर्माण कर देते हैं, ऑफ अ सिटीज बोथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिचनेस, यानी एक शहर की जो रिचनेस है, समृद्धि है, कौन सी समृद्धि? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, यानी शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों का निर्माण कर देते हैं, कौन? रिमेन्स एज कैशर्स, सही है या गलत? एस होगा या एस के स्थान पे सिमिलर होगा या आल्सो होगा या लाइक होगा या एस ऑलरेडी सही है और नो इंप्रूवमेंट है। इस सारे क्वेश्चंस आप मेरे तैयार करें, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं आपके एग्जाम्स के बेस पे दे रहा हूं जो आए हुए हैं, और आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चंस करीब करीब रिपीटेड हो रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो आप मेहनत करेंगे सारी चीजें आपके काम में आ जाएंगी। क्या सोच रहे हैं आप? सिमिलर लेने का सोच रहे हैं, तो अगर आप सिमिलर लेते हैं तो जाएगा रिमेन्स सिमिलर कैशर्स, तो सिमिलर टू होना चाहिए ना, तो फिर सिमिलर गलत हो गया। अगर आप आल्सो लेना चाह रहे हैं, ये लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे बोलना होगा रिमेन्स आल्सो कैशर्स, रिमेन्स आल्सो कैशर्स, इनकी वर्ब की अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके आएंगे। और अगर आप लाइक लेना चाह रहे हैं तो बोले रिमेन्स लाइक कैसल्स, सही है, रिमेन्स लाइक कैसल्स, यानी कैसल्स की तरह जो रिमेन्स है, जो अवशेष है,
वो अवशेष फॉर्म, सही है, फॉर्म ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सिटीज बोथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, इसमें वो एक शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो समृद्धि होती है उसको फॉर्म करते हैं, यानी उसे रूप देते हैं, आकार देते हैं। अब अगर प्रश्न आ रहा है कि रिमेन्स के साथ एस क्यों नहीं आ सकता है, तो आप एक तैयार कर लीजिएगा जरूर जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। एस तब आता जब इसके बाद आपकी पूरी क्लास होती, कहां क्लास है, कैसल्स केवल है, ये फॉर्म अ सब्सटेंशियल पार्ट तो रिमेन्स का पार्ट है, तो एज कैसल्स गलत है ना, क्योंकि कैसल्स एक नाउन है, तो नाउन के पहले आप कंजंक्शन कैसे ले सकते हैं, कंजंक्शन तो पूरी क्लास को जोड़ेगा, तो फिर यहां पे एज नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, लाइक होगा। लाइक क्यों हो जाएगा, क्योंकि लाइक एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन हमेशा एक नाउन के पहले आप लगाते हैं, जाएगा रिमेन्स लाइक कैसल्स, यानी कैसल्स की तरह जो रिमेन्स होते हैं अर्थात जो अवशेष होते हैं वो रिमेन्स फॉर्म ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सिटीज बोथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिचनेस, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, दिस इज डैश, ये सेंटेंस फिलर है आपका, डैश द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय लोकल पीपल, यानी स्थानीय लोगों के बहुत कड़े प्रतिरोध, डैश द म्युनिसिपैलिटी सीम्स डिटरमिंग, जो नगर पालिका है सीम्स डिटरमिंग, वो दृढ़ प्रतिज्ञ प्रतीत होती है टू कलेक्ट द न्यू ट्रांजिट पैसेज टैक्स, यानी जो नया पारगमन टैक्स है, कर है, उस पारगमन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा यानी लेने के लिए म्युनिसिपैलिटी जो है वो डिटरमिंड दिखाई देती है, क्या सही होगा, एज और रिजल्ट ऑफ द स्ट्रांग अपोजिशन बाय लोकल पीपल, यानी लोकल पीपल के स्ट्रांग अपोजिशन के कारण ऐसा हो रहा है, वो म्युनिसिपैलिटी टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है, या ड्यू टू हो रहा है, एक तरह से वही अर्थ है, मीन्स के कारण वाला अर्थ है, या इन स्पाइट ऑफ हो रहा है, के बावजूद हो रहा है, यानी लोकल पीपल के अपोजिशन के बावजूद द म्युनिसिपैलिटी सेम्स डिटरमिंड टू कलेक्ट द न्यू ट्रांजिट टैक्स टैक्स, यानी वो ट्रांजिट पैसेज टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं, या हाउएवर हो रहा है, हाउएवर तो नहीं हो, हाउएवर द स्ट्रांग, या कोई आपका कंजंक्शन के रूप में हाउएवर है ही नहीं, ये कंजंक्शन अगर है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में, जो कि यहां पे नहीं चाहिए आपको, यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको चाहिए, तो हाउएवर तो है ही नहीं, यहां पे इसे फिनिश कर देते हैं, हटा देते हैं। इन्हीं तीन में से आपको जोड़ना है, एज अ रिजल्ट ऑफ, या इन स्पाइट ऑफ, या ड्यू टू, और ये तीनों प्रीपोजिशंस हैं, और ये जो हाउएवर है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, क्या सही होगा, ये हमने हटा दिया है। इन तीन में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, जितनी बढ़िया आप इसकी हिंदी समझेंगे उतना बढ़िया आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, क्या सही होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ मींस के परिणाम स्वरूप, तो स्ट्रांग अपोजिशन बाय लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के परिणाम स्वरूप म्युनिसिपैलिटी वो ट्रांजिट पैसेज टैक्स ले रहा है, या ड्यू टू के कारण होता है, यानी लोकल पीपल के कड़े विरोध के कारण वो ट्रांजिट पैसेज टैक्स ले रहा है, या इन स्पाइट ऑफ मींस लोगों के, स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बावजूद म्युनिसिपैलिटी जो है वो ट्रांजिट पैसेज टैक्स ले रहा है, समझ जाएंगे हिंदी आप, समझ रहे हैं ना, आप कौन सा चूज करेंगे, ये यही ना, क्यों चूज करेंगे, क्योंकि जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे स्थानीय लोगों के कड़े कड़े विरोध के बावजूद, यानी स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बावजूद
म्युनिसिपैलिटी सेम से डिटरमाइंड टू कलेक्ट द न्यू ट्रांजिट पैसेज टैक्स, कि वो पारगमन टैक्स को लेगी वो। अगर आपके मन में आ रहा हो सर फिर एज अ रिजल्ट आप क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है उनके लोकल पीपल के कड़े विरोध के कारण ऐसा कर रहे हो, तो ये जो डिटरमाइंड है ये वर्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि ये कहीं कहीं म्युनिसिपैलिटी को दृढ़ प्रतिज्ञ दिखा रहा है। क्यों दृढ़ प्रतिज्ञ कब होगी वो, जब लोग उसका विरोध भी करेंगे उसके बावजूद उसे कोई कार्य करना होगा तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। और एक और चाहिए, अगर आप एज अ रिजल्ट ऑफ लेते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ का वही अर्थ होगा जो एक तरह से ड्यू टू होगा, तो यहां पे दोनों एक ही हो जाएंगे, इसलिए भी इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फोर्थ क्वेश्चन। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन बच्चों ने हार्ड वर्क किया, हु हैव वर्क हार्ड इन देयर ग्रामर पोर्शन, जिन्होंने ग्रामर पोर्शन में कड़ी मेहनत की है, दे विल सर्टेनली बी एबल टू सॉल्व दिस कॉमन एरर, आप कर लेंगे, यू विल बी एबल टू स्पॉट द एरर, कहां गलत है आप। आई एम वेरी डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं टू हियर सुन करके दैट की हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, कि उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, क्या गलत है। देखें आप, आई एम वेरी डिस्टर्ब, मैं बहुत व्यथित हूं, बहुत डिस्टर्ब हूं, अपसेट हूं मैं, टू हियर सुन करके दैट की हिज सर्विसेज हैव बीन डिस्टर्ब, कि उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि पैसे बहस उसे बर्खास्त कर दिया गया है। सो यहां नहीं सोचिएगा कुछ गलत है कि हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, ये सही है, कोई बोल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यहां गलत है टू हियर दैट, ये भी सही है, आई एम वेरी डिस्टर्ब टू हियर दैट, कभी आपको करना हो आई एम प्लीज्ड हियरिंग दैट, गलत है, आई एम प्लीज्ड टू हियर दैट, वैसे ही आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड टू हियर दैट, सही है, कोई एरर नहीं है। एरर यहां पे है, आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं आई एम वेरी डिस्टर्ब, यहीं पे एरर है, जल्दी से बताएं क्या एरर है, जो भी बच्चे समझ रहे होंगे वो देख रहे होंगे क्या एरर है, ए में कौन सी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है, वेरी और मच का प्रयोग याद आ रहा होगा, तो आपको याद आ जाएगा कि यहां पे जो आपने वेरी लगाया है डिस्टर्ब्ड के पहले वो गलत है। ये डिस्टर्ब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी नहीं आता है, मच आता है। वेरी कौन सी परिस्थितियों में आप यूज कर सकते हैं, पहला जहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वहां पे आप वेरी का प्रयोग करते हैं, कहीं भी अगर वर्ब प्लस आईएनजी आपके पास है तो यहां पे आपको क्या लगाना होगा, वेरी का प्रयोग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी गई हो वहां पे आप क्या लेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म हो फिर भी आप उसका वेरी का प्रयोग करते हैं, वो वर्ड्स आप जानते हैं जहां आनंद प्राप्त करने के सेंस में प्लीज्ड का प्रयोग किया गया हो, थके होने के सेंस में टायर्ड का प्रयोग किया गया हो, निराश होने के सेंस में डिजेक्टेड का प्रयोग किया गया हो, या फिर संतुष्ट होने के सेंस में आप कंटेंटेड का प्रयोग किया गया हो, वहां पे आप वेरी लेते हैं, यानी कंटेंटेड के पहले वेरी लगाएं, प्लीज्ड के पहले वेरी लगाएं, आत्मिक संतुष्टि के संग में प्रसन्न होने के सेंस में, टायर्ड के पहले वेरी लगाएं, डिजेक्टेड के पहले वेरी लगाएं, लेकिन यही वेरी आप डिस्टर्ब्ड के पहले नहीं लगा सकते हैं, ये ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो डिस्टर्ब के पहले वेरी नहीं मच हो जाए। हाँ आप ये कर सकते हैं, वेरी लें और वेरी के बाद मच जोड़ दें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई एम वेरी मच डिस्टर्ब, लेकिन मच आएगा डिस्टर्ब के पहले। ओके, तो जाएगा आई एम वेरी डिस्टर्ब कभी नहीं होगा, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब या आई एम मच डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्लीज्ड का प्रयोग यदि आत्मिक खुशी के लिए हो तो उसके पहले मच लगाइएगा, सॉरी वेरी लगाइएगा,
कंटेंटेड के पहले वेरी लगाइएगा, टायर्ड के पहले वेरी लगाइएगा, डिजेक्टेड के पहले वेरी लगाइएगा, बाकी सबके पहले क्या लगाइएगा, क्या लगाइएगा, मच लगाइएगा। अगर कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म तो कभी भी मच नहीं लगाइएगा, हमेशा वेरी लगाइए। जैसे आप कहना हो इट इज अ मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, गलत है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि इंटरेस्टिंग यहां क्या है, पार्टिसिपल आपका है, तो उसके पहले आपने क्या ले लिया, वेरी ले लिया। लेकिन मान लिया आपको कहना हो इट आई एम व्हाट मच प्लीज्ड विद हिम, गलत है, आई एम वेरी प्लीज्ड विद हिम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा प्लीज्ड के पहले, डिजेक्टेड के पहले, टायर्ड के पहले, कंटेंटेड के पहले क्या लगाइएगा, वेरी का प्रयोग करिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां वेरी डिस्टर्ब नहीं होगा, आई एम मच डिस्टर्ब हो जाएगा या आई एम वेरी मच डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है पांचवा, और ये देख लें, ये क्लोज टेस्ट जो बीच में मैंने दिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे जितने भी पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं सब में क्लोज टेस्ट दिया है, कॉम्प्रिहेंशन का नामो निशान नहीं दिख रहा है, केवल क्लोज टेस्ट आपको प्री में दिए जा रहे हैं। तो आप ये नॉर्मल पैसेज मैंने दिया है उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे क्लोज टेस्ट देकर के घबरा जाते हैं, तो मैंने उन्हें साहस बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि इसी लेवल पर आपके एग्जाम्स में आपको दिया जा रहा है। देख लें, पहले अपनी कोशिश करें, फिर मैं आपको इनके सॉल्यूशंस दे रहा हूं। देख लें पूरा सेंटेंस आप, ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, यानी कला के जितने भी रूप हैं, हैव डेवलप्ड, वो क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं, फ्रॉम रिलीजन, धर्म से डैश रिलीजियस सर्विसेज, या धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, डैश राइटिंग पोएट्री, की पोयम लिखना, डेवलप्ड यानी जो काव्य संकलन है, काव्य का लिखना है, डेवलप वो विकसित हुआ, फ्रॉम द डैश संग इन डैश ऑफ द अर्ली गॉड्स, ईश्वर से संबंधित चीजें बताई जा रही आर, या फ्रॉम इनकैंटेशंस, या फिर उन मंत्रोच्चारणों से संग जिन्हें गाया जाता था, डैश ब्रिंग रेन आर विक्ट्री इन बैटल, ताकि बारिश के लिए वो गाया जाता था, आर विक्ट्री इन बैटल, या युद्ध में विजय प्राप्त करने से के लिए गाया जाता था। एक एक शुरू करें, ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैव डेवलप्ड, विकसित हुए हैं, फ्रॉम रिलीजन, धर्म से, डैश रिलीजियस सर्विसेज, रिलीजन बट रिलीजियस सर्विसेस होगा, रिलीजन ये रिलीजियस सर्विसेस होगा, रिलीजन एंड रिलीजियस सर्विसेस होगा, या रिलीजन आर रिलीजियस सर्विसेस होगा, कौन सा सही है, सोच के बताएं, समय ले, अच्छे से समझ ले, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे मैं अपने स्पीड भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप अच्छे से समझते जाएं, वो बच्चे जो बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं वो बच्चे भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करें और बेहतर कर सकें। ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट यानी कला के सभी रूप हैव डेवलप्ड विकसित हुए हैं फ्रॉम रिलीजन, किससे, धर्म से, यानी कला के सभी रूप धर्म से विकसित हुए हैं, डैश रिलीजियस सर्विसेज, धार्मिक जो क्रियाकलाप है उनसे विकसित हुए, किनसे विकसित हुए हैं, तो क्या लेंगे, वो धर्म से विकसित हुए हैं लेकिन रिलीजियस सर्विसेज से विकसित हुए, क्या लग रहा है आपको ऐसा हो, नहीं ना, धर्म से विकसित हुए हैं ये जो रिलीजियस सर्विसेज से विकसित हुए, यानी धर्म से विकसित हुए हैं फिर भी रिलीजियस सर्विसेज से विकसित हुए, नहीं ना, धर्म से वो कलाएं विकसित हुई हैं और रिलीजियस सर्विसेज से विकसित हुई हैं, तो फिर अगर आप सोचेंगे तो रिलीजन और रिलीजियस सर्विसेज से विकसित हुए हैं, रिलीजन और रिलीजियस सर्विसेज से विकसित हुए हैं, या रिलीजन या रिलीजियस सर्विसेज से विकसित हुए हैं, किससे विकसित हुए हैं,
या तो रिलीजन से या रिलीजियस सर्विसेज से, इन्हीं दोनों में से किसी एक से, दोनों से कैसे हो जाए, क्योंकि रिलीजन अलग है रिलीजियस सर्विसेज अलग है, तो दोनों से विकसित हुए हैं या दोनों में से किसी एक से, तो किससे, या तो धर्म से विकसित हुए या रिलीजियस सर्विसेज से, इन्हीं दोनों में से एक से हुए ना, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजन, क्या हो जाएगा, आर रिलीजियस सर्विसेस। दिस इज ऑल्सो ट्रू, यानी ये भी सच है, डैश राइटिंग पोएट्री डेवलप, कि काव्य का जो लिखना था, कविताओं का लिखना था, डेवलप विकसित हुआ। अब दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड, कभी नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू क्या हो जाएगा, इन राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड, क्या लगता है आपको, इट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड, या दिस इज ऑल्सो ट्रू बट राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड। थोड़ा सा भी ग्रामर आप बेहतर समझते हो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बेहतर समझते हो, तो आप ये कर सकते हैं। बोले क्या लेना चाहिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड, होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू, अगर ऑफ नहीं होगा तो फिर इन भी नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू इन राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड, नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट, यही होगा ना, ये पोर्शन आपका ये, दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट, यानी ये भी सच है कि, यही भाव निकल रहा है ना, दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड, कि राइटिंग पोएट्री यानी काव्य का लिखना विकसित हुआ फ्रॉम, किन से विकसित हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द, अब क्या होगा, फ्रॉम द राइम्स, यानी राइम्स से काव्य का लिखना विकसित हुआ, या वर्ड्स शब्दों से काव्य का लिखना विकसित हुआ, सांश गीतों के माध्यम से विकसित हुआ, या लाइन्स लाइन्स के माध्यम से विकसित हुआ। अगर आप इसके आगे के शब्द पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजन और रिलीजियस सर्विसेज, ओके क्लियर। दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट, यानी ये भी सच है कि राइटिंग पोएट्री डेवलप, की पोएट्री की जो राइटिंग है वो विकसित हुई फ्रॉम द डैश संग। ये संग आपसे कुछ कह रहा है, क्या बेस्ट होगा, किस चीज को हम संग करते हैं, क्या हम राइम्स को संग करते हैं, तुकबंदियों को गाते हैं, या वर्ड्स को संग करते हैं, शब्दों को गाते हैं, या सांश को संग करते हैं, किसको गाते हैं, बिल्कुल आसान हो गया होगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, सांश, यही होगा ना। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड फ्रॉम द सांश, यानी उन गीतों से विकसित हुआ राइटिंग पोएट्री संग, जो गीत गाए जाते थे इन डैश ऑफ द अर्ली गॉड्स, उस समय के जो देवता थे शुरुआत में, उन देवताओं के किस में गाए जाते, उन देवताओं के प्रेज में, यानी उनके प्रशंसा में गाए जाते थे, उन देवताओं की वर्शिप, उनकी पूजा में गाए जाते थे, उन देवताओं के अप्रिसिएशन, उनकी प्रशंसा में गाए जाते थे, या उन देवताओं की मेमोरी, उनकी याद में गाए जा सकते थे। देखिए मेमोरी तो हटा दीजिएगा, मेमोरी का कोई मतलब नहीं यहां पे। अगर आपको लगता है, जिन बच्चों को लग रहा है कि यहां वर्शिप हो सकता है, वर्शिप हम कहां यूज करते हैं, जहां मंदिर वगैरह हो, हम विधि विधान के तहत पूजा करते हो, तो वहां हम वर्शिप करते हैं। तो अगर हम शाम्स गा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो अगर हम गा रहे हैं तो हम वर्शिप नहीं कर रहे हैं, तो वर्शिप ही यहां पर नहीं होगा। अब दो वर्ष हमारे पास बचे हैं, उन देवताओं के प्रेज में वो गीत गाए जाते थे, या उन देवताओं के अप्रिशिएशन में गाए जाते थे। तो आप समझ सकते होंगे अप्रिशिएट क्या होता है, किसी ने अच्छा कार्य किया है, किसी ने अच्छा कार्य किया है और उस कार्य से आपको बहुत प्रसन्नता हुई है, तो उस कार्य के लिए आप उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं।
तो फिर यहां तो मुझे लगता है कि आप गॉड को एप्रिसिएशन के सेंस में आप वो गीत गा रहे हैं। आप किसमें गा रहे हैं? ईश्वर की प्रशंसा में गा रहे हैं कि उसने इस जहान को बनाया, उसने ये नदियां, ये पर्वत, ये सारी चीजें हमको प्राकृतिक रूप से दी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? प्रेज हो जाए। सोचेंगे तो आप समझ जाए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार। ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैव डेवलप्ड, यानी कला के सभी रूप विकसित हुए हैं फ्रॉम रिलीजन। किससे विकसित हुए हैं? किस चीज से? धर्म से। आर रिलीजियस सर्विसेज, आर रिलीजियस सर्विसेज या फिर धार्मिक क्रियाकलापों से, सर्विसेज से विकसित हुए हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट यानी ये भी सच है कि राइटिंग पोएट्री डेवलप, की पोएट्री का लिखना डेवलप विकसित हुआ फ्रॉम द सांग्स, फ्रॉम द सांग्स संग, उन गीतों से डेवलप्ड हुआ संग, जिन गीतों को गाया जाता था इन प्रेज ऑफ द अर्ली गॉड्स, उस समय जो देवता थे उनकी प्रशंसा में उनका स्तुति गान किया जाता था। आर या वो राइटिंग पोएट्री विकसित हुई फ्रॉम, यहां जोड़ लीजिए, ये फ्रॉम यहां दिखा रहा था इनसे विकसित हुआ, या वो राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड फ्रॉम, या फिर किससे विकसित हुई? इनकैंटेशंस, उन मंत्रोच्चारणों से विकसित हुई राइटिंग पोएट्री संग, जो मंत्रोच्चारण संग किए जाते थे, गाए जाते थे, जाप किए जाते थे, क्या अलोन अलोन होगा या विच ब्रिंगर होगा या टुगेदर होगा या टू होगा? देखिए, अगर आपको लगता है अलोन होगा तो मिलाते हैं, यानी राइटिंग पोएट्री डेवलप, राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड हुई फ्रॉम इनकैंटेशंस, ओके, इनकैंटेशंस के द्वारा संग, जो इनकैंटेशंस सिंग किए जाते थे, अलोन ब्रिंग कभी नहीं होगा, सीधा बैठे नहीं, स्ट्रक्चर गलत है आपका, तो ये नहीं हो सकता है। फिर से मिलाते हैं, राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड फ्रॉम इनकैंटेशंस संग विच ब्रिंग रेन आर विक्ट्री इन बैटल, जो मतलब बारिश ले आते थे और बैटल में विक्ट्री दिलवाते थे, क्या वो संग यानी वो सांग्स इनकैंटेशंस ले आते थे? और देखते हैं, राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड फ्रॉम इनकैंटेशंस संग टुगेदर ब्रिंग, कभी नहीं होगा, टुगेदर टू ब्रिंग होना चाहिए था, इसलिए इसका मैं खत्म करते हैं, ये और ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास विच है और टू है, चलिए टू लगा के देखते हैं। तो राइटिंग पोएट्री डेवलप्ड फ्रॉम इनकैंटेशंस, यानी इनकैंटेशंस से शुरू हुई, विकसित हुई संग, वो इनकैंटेशंस जो गाए जाते थे टू, या क्या हो गया, टू ब्रिंग रेन, जो इसलिए गाए जाते थे ताकि बारिश हो और विक्ट्री इन बैटल, या फिर बैटल में उन्हें क्या मिले, विजय मिले। आप चारों ऑप्शन देखेंगे आप समझ जाएंगे यहां क्या बेस्ट है, टू, यानी ये टू आपका यहां बेस्ट, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा, दिस इज इट। All forms of art have developed from religion or religious services. This is also true that writing poetry developed from the songs sung in praise of the early gods or from incantations sung to bring rain or victory in battle. इसी लेवल पे आप एग्जाम्स में दिया जा रहा है, जिन बच्चों का पेपर हो चुका है बच्चे यही बताते हैं कि जो क्लोस्टेस दिए जा रहे वो लेवल पे है, टफ नहीं, लेवल पे है। जिस बच्चे ने शब्दों के अर्थ को समझा, दिए गए पैसेज के कॉन्सेप्ट को समझा, वो बच्चा 5 में 5 या 5 में 4 कर सकता है। इसलिए फिर मैं कहूंगा हिंदी जरूर समझे, जरूर समझे वाक्यों की, जितने अच्छे हिंदी समझेंगे और उसके साथ ग्रामर और वर्ड पावर को मिक्स करके कार्य करेंगे तो निश्चित ही यू विल गेट सक्सेस, आप क्या प्राप्त कर लेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। एंड दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर योर लाइफ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आर नेसेसरी टू योर लाइफ, ओके। इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेना चाहिए आपको, हु आर वी, हम कौन है, टू
sit in judgment over their choices. यानी उनकी choices पर sit in judgment देने वाले हम कौन हैं? क्या? तो sit in judgment means lecture देना होता है, sit in judgment criticize करना होता है, आलोचना करना, या sit in judgment speak करना होता है, बोलना, या sit in judgment communicate. क्या होगा? कम्युनिकेट करना, इस बातचीत करना, क्या सही? इन्हें सिट इन जजमेंट को क्या कहेंगे दूसरे शब्द? ये वर्ड है आपका सिट इन जजमेंट. याद आ रहा आपको? पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े होंगे आप. हु आर वी, हम कौन है? यहां प्रश्न मार्क ना चाहिए था. हु आर वी, हम कौन है टू सिट इन जजमेंट? बोलने वाले, हम कौन है बोलने वाले? Over their choices, उनके choices पर, यानी वो क्या choose करते हैं, क्या choice है उनकी, इस पर sit in judgment करने वाले हम कौन हैं? अर्थात हम बोलने वाले कौन हैं? Lecture तो आप समझते होंगे, lecture कुछ और है. Criticize होता नहीं sit in judgment में. Communicate क्या होता है? जब कई सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं, उनके बीच एक communication होता है, यही ना? तो sit in judgment में speak करना, बोलना, यानी ये आपका आंसर. ओके, चलिए 11th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आना चाहिए आपको. टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, कभी कभी आप जब सपने देखते हैं और सपने एक नाइटमेयर की तरह होते हैं. नाइटमेयर मींस दो स्वप्न, डरावने स्वप्न. सपने आपके नाइटमेयर होते हैं. अब उसमें कोई आपको दौड़ा रहा होता है आपका मर्डर करने के लिए, unfortunately but forbid it. तो आपको कोई दौड़ा रहा है, आप भागना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे हैं? भाग नहीं पा रहे हैं आप, नहीं भाग पा रहे हैं ना? नहीं भाग पाते हैं. क्यों? क्योंकि आप प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन आपका वो प्रयास सफल होता हुआ दिख नहीं रहा होता है. तो आप अपने आप को जैसे महसूस करते हैं आप कर नहीं पा रहे हैं जो करना चाह रहे हैं. दिस इज हियर टू स्ट्रगल हेल्पलेसली. आप पानी में गिर गए, आप कीचड़ में गिर गए, आप किसी स्वैंप में गिर गए, दलदल में गिर गए, आप निकलना चाह रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे. दिस इज टू स्ट्रगल हेल्पलेसली. तो क्या होगा? फ्लाउंडर होगा, फाउंडर होगा, फंबल होगा, या फ्लाउट होगा? देखिए फाउंडर तो कभी नहीं होगा. फाउंडर समझते होंगे, फाउंड करने वाले को कहते हैं, किसी चीज की स्थापना करने वाले को कहते हैं, जिसे एलिमिनेट कर देते हैं, इन तीन में से सोचते हैं. अब अगर हमारे पास मीनिंग्स हैं कि फ्लाउट क्या होता है, इफ यू आर व्हाट नॉट गोइंग टू ओबे सम रूल, सम प्रोविजन, आप किसी नियम, किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो आप उसको फ्लाउट करते हैं, आप उसकी अवज्ञा करते हैं, अवमानना करते हैं. किसी नियम, किसी कानून वगैरह की जब आप अवज्ञा करते हैं तो आप फ्लाउट करते हैं. जैसे मान लीजिए सरकारी आदेश है कि आप अगर बाइक वगैरह चलाएं तो आप हेलमेट पहन के चलाएं, लेकिन उसके बावजूद देख रहे आप सामने ट्रैफिक पुलिस है और आप फिर भी बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो आप उस नियम को क्या कर रहे हैं? फ्लाउट कर रहे हैं. ठीक है. फंबल क्या होता है? फंबल मीन्स कुछ गड़बड़ कर देना, गलत तरीके से कार्य कर देना. वो याद होगा आपको बंगल है ना, है ना? तो बंगल कर देना. या फंबल क्या होता है? आप किसी की जेब में हाथ डालते हैं और अजीब तरीके से क्लमशली ऐसा कार्य करते हो तो आप फंबल करते हैं. मीन्स गलत तरीके से कार्य करना या गलत तरीके से टटोलना होता है, टटोलना फंबल मीन्स होता है. फ्लाउंडर क्या होता है? तड़पड़ाना, तड़पना, छटपटाना. तो मैंने भी हिंट दिया था, जब आप पानी में गिर गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आप तड़पेंगे निकलने के, तड़पड़ाएंगे आप मतलब अपने आप को कहीं कहीं हेल्पलेस महसूस करेंगे. दिस इज टू स्ट्रगल हेल्पलेसली. फ्लाउंडर मीन्स होता है तड़पना, तड़पड़ाना, छटपटाना. दिस इज इफ यू आर स्ट्रगलिंग हेल्पलेसली इट मीन्स यू आर फ्लाउंडरिंग. मीन्स छटपटा रहे हैं आप. तो टू स्ट्रगल हेल्पलेसली का फ्लाउंडर कुछ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉमन एरर आ गया फिर से, और ये सब अच्छे से स्वीकार करें, मेहनत करें आप. लेम एक्सक्यूजेस वो बनाते हैं जो लोग काहिल होते हैं, जो मैलिंगरर होते हैं. मैलिंगरर मीन्स
जो कार्य कर न करने का बहाना बनाता हो, बीमारी का बहाना बनाता हो, तमाम बहाने बनाता हो, वो लेम एक्सक्यूज देता है, मैलिंगरण करता है। ठीक है, तो इफ यू हैड टोल्ड मी, कर लेंगे आप, देखिएगा, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ज्यादातर बच्चे कर सकते हैं, कोशिश करें, कर सकते हैं ना। इफ यू हैड टोल्ड मी, यदि आपने मुझे बता दिया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं आपकी मदद कर दिया होता टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने। क्या गलत दिख रहा? इफ यू हैड टोल्ड मी, यहां तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, सही ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यहां भी कोई गलती नहीं दिख रही। अब यहां भी गलती नहीं है और यहां भी गलती नहीं, गलती कहां है? क्या यहां पे है? क्या यहां पे गलती है? क्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम है? क्या गलती है कि नहीं है? बिल्कुल है यहीं पे। कैसे है? क्योंकि जब आपने ये हेल्प्ड का प्रयोग किया तो ये आपने पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग किया, तो जब आपने पॉजिटिव सेंस में हेल्प का प्रयोग किया तो ये जो टू ले रहे हैं आप एक्टिव वॉइस में नहीं ले सकते हैं, यानी हेल्प के बाद आपकी प्रेफरेंस हमेशा बेयर इन्फिनिटिव की होगी। तो अगर आपकी प्रेफरेंस बेयर इन्फिनिटिव की होगी, ये जो हेल्प के साथ आपने टू लिया इसे क्या कर दें आप, काट। अब वाक्य हो जाएगा, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रेफरेंस आप बेयर इन्फिनिटिव को दीजिएगा। आप याद होगा लेट में तो आप एक्टिव और पैसिव दोनों में नहीं कर सकते। मेक के साथ ऐसा उल्टा होता है, मेक का प्रयोग है तो एक्टिव वॉइस में तो फुल इन्फिनिटिव नहीं कर सकते, लेकिन पैसिव वॉइस में आप टू का प्रयोग कर सकते हैं फुल इन्फिनिटिव का। और भी कुछ वर्ब्स आपको याद हो, अगर आप सी का प्रयोग करते हैं, नोटिस का प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं, फील का प्रयोग करते हैं, हियर का प्रयोग करते हैं, लिसन का प्रयोग करते हैं, ये वो वर्ब्स हैं जो एक्टिव में आपको बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, लेकिन अगर आप इनका प्रयोग पैसिव में करते हैं तो फिर आपको फुल इन्फिनिटिव लेना होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा आई हियर्ड हिम सिंग, सही है ना? अगर ये गलत होता क्या हो जाता? आई हियर्ड हिम टू सिंग, गलत ना, एक्टिव वॉइस में। बट यही बात अगर पैसिव वॉइस में हो, ही वॉज हियर्ड टू सिंग, सही है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हियर के साथ, सी के साथ, वॉच के साथ, फील के साथ, इनके साथ क्या लें? फुल इन्फिनिटिव लें। मेक के साथ भी, कॉज के साथ भी फुल इन्फिनिटिव लें, लेट के साथ एक्टिव पैसिव किसी में न लें, और हेल्प के साथ भी एक्टिव में आप बेयर इन्फिनिटिव लें लेकिन पैसिव में फुल। ये तो एक्टिव है ना, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इसीलिए ये जो टू है यहां से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, याद करेंगे काम आएगा। चलिए हम लोग आ गए 13वें प्रॉब्लम, 13 सेंटेंस अरेंजमेंट, देखें अच्छे से और अपनी कोशिश करें आप, जल्दी से देखें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या बेस्ट होगा, बोले क्या सही लग रहा है आपको। चलिए मैं इसकी हिंदी बता रहा हूं, शायद आपको थोड़ा सा आसान है। ओके, कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेनुअस प्रोफेशन, कारपेंट्री मीन्स बढ़ेगिरी, तो कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेनुअस मीन्स कठिन, आर्डुअस, याद आपको, परिश्रम भरा, मेटिक्युलस। तो कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेनस प्रोफेशन, यानी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत अधिक कठिनाई अर्थात संघर्ष की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। बिकॉज ऑफ सच टूल्स, आप सोच रहे होंगे कभी भी पी पहले नहीं आ सकता है, सोचिए अभी कहां से, बिकॉज ऑफ सच टूल्स, कभी नहीं, छोड़ देते हैं इसको। इन सच एरियाज इट इज ऑल टू इजी टू फॉल आवर स्लिप, अभी कौन से एरिया की हमने बात कर दी। अब अगर P क्यों गायब हो गया, तुम्हें पता है R या S में से कोई आया,
आ है sometimes there were demands of climbing on high rise buildings. हो सकता है ऐसे carpenters have to work with sharp tools. ये बेस्ट है ना, क्योंकि हमने कहा carpentry is a very strenuous profession, बहुत ही कठिन पेशा है ये. क्यों? क्योंकि carpenters have to work with sharp tools, क्योंकि उनके बहुत जो शार्प टूल्स होते हैं, नुकीले औजार वगैरह होते हैं, धारदार औजार होते हैं, इनसे उनको कार्य करना होता है. अब अगर हम देखें कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स, तो फ्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ सच टूल्स, है ना, बिकॉज ऑफ सच टूल्स दे पुट देमसेल्व्स एट रिस्क ऑफ इंजरी. इसकी वजह से उनकी कहीं कहीं इंजरी होने का खतरा होता है. यानी एस पहले आएगा और पी बाद में. अब एस और पी एक साथ आएगा, ठीक है, एस और पी एक साथ है, एस और पी एक साथ नहीं है, एस और पी एक साथ नहीं है, एस और पी एक साथ नहीं है. अब अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्यों नहीं आ रहा है, समटाइम्स देयर वर डिमांड्स क्लाइंबिंग ऑन हाई राइज बिल्डिंग, चलिए लेते हैं देखते हैं. कार्पेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेनुअस प्रोफेशन, यानी आर ले रहे, आर में एक है, आर के बाद पी है, ठीक है, मिलाते हैं. कार्पेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेनुअस प्रोफेशन, समटाइम्स देयर वर डिमांड्स ऑफ क्लाइंबिंग ऑन हाई राइज बिल्डिंग्स, आर हो गया, इसके बाद पी है, बिकॉज ऑफ सच टूल्स. देख ले क्या आर के बाद कभी भी सच टूल्स आएगा, क्योंकि अभी तो जिक्र ही नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा एस पहले आएगा. एस आएगा तो अपने आप पी आ जाएगा, क्योंकि यहां ने कहा कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स, है ना, शार्प टूल्स, और यहां है बिकॉज ऑफ सच टूल्स. एस और पी जब भी आएगा पहले आएगा, एक ही पोर्शन है जहां पे आपका एस और पी एक साथ है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है. सोचेगा अच्छे से, देखेगा फिर से वीडियो देखेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं, और मैं भी चाहता हूं आप दो तीन जगह अच्छे हो जाए, आप सेंटेंस अरेंजमेंट में मेरे साथ रेगुलर रहें, मेहनत करें, हर रोज मैं एक दो तीन कराता रहूंगा, ये आप फायदा लें. क्लोज टेस्ट मेरे साथ करें, इसमें भी आप हर हाल में इंप्रूवमेंट पाएंगे, और बाकी कॉमन एरर फिलर्स इंप्रूवमेंट सब देख रहे मैं दे ही रहा हूं, तो आप इनको रेगुलर बना लें, प्रैक्टिस करें. आपके लिए मैं भी अपना दिन भर लगाता हूं, विश्वास करिए क्लासेस लेने के अलावा जितना मेरा समय है वो सब मैं आपके लिए लगाता हूं, कि मैं कितना अच्छा से अच्छा आपको दे सकूं. इसलिए भी क्योंकि मैं आपकी सफलता चाहता हूं, क्योंकि आप सफल होंगे तो अपने माता पिता के निश्चित ही आप एक गर्व का विषय होंगे, और मेरी भी खुशी होगी कि आप सफल हो गए. इसलिए मैं अपना बचा हुआ सारा समय आपके इसी सिस्टम के लिए मैं दे रहा हूं, तो आप भी मेहनत करें, सफल हों. जहां आपकी दिक्कतें हो मेरे से शेयर करें कि सर ये पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं निश्चित ही आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, उसके साथ अगली बार मैं और बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा. आप देख रहे होंगे पहले से मैं चीजें और बेहतर कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, इजीली यानी इजी मैनर में मैं इसे पढ़ा रहा हूं, ताकि कमजोर बच्चे भी धीरे धीरे समझ सके. लेकिन कमजोर बच्चों को भी समझना होगा कि आप तुरंत नहीं समझेंगे, समय दीजिए, प्रैक्टिस सेट्स रेगुलर सॉल्व करिए, हर अगली बार आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, कर लेंगे आप. फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंगफुल सेम, मीनिंगफुल सेम में समझते होंगे कहावत होते है ना, फिलॉसफी मीन्स दर्शन, ऑफ शॉर्ट मीनिंगफुल सेम, वो सेम क्या है, प्लेगियरिज्म है. देखते ही कहते हैं कि प्लेगियरिज्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में आपको दिया गया. डार्टोनिज्म है, शायद आप न जानते हो ज्यादातर बच्चे, एक वर्ड आप जानते हो अगर आप साइंस आप याद हो, वर्णांधता होता है ना, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है कि हम लाल या हरे रंग में फर्क नहीं कर पाते, कहीं कहीं वर्णांधता आ रही है, दिस इज डाल्टोनिज्म. तो इफ यू आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन द रेड कलर एंड द ब्लू कलर ग्रीन कलर, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम डाल्टोनिज्म, मीन्स आप वर्णांधता के शिकार हैं. आप समझते होंगे मेडिकल में ये चीजें पाई जाती हैं. जिंगोइज्म क्या होता है, मैं चाहूंगा आपको इसे अच्छे से समझा दूं, आगे आपके एग्जाम्स में काम आएगा.
मैंने कई बार बताया हुआ, जब आप किसी व्यक्ति के दीवाने होते हैं, किसके, किसी व्यक्ति के दीवाने होते हैं तो आप उसके फैन होते हैं। क्यों? क्योंकि आप फैनेटिक होते हैं। फैनेटिक का शॉर्ट में हम फैन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का बिल्कुल दीवाना होना, उसके प्रति कट्टर सोच रखना, ये फैन होना, फैनेटिक होना होता है। जब आप किसी चीज के प्रति जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं, अगर हम धर्म की बात करें, चलिए अगर आप किसी धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं तो आप बिगट होते हैं। BIGOT होता है, बिगोट्री से बना है, तो बिगट होते हैं। व्यक्ति के प्रति कट्टर होना फैनेटिक होना, धर्म के प्रति कट्टर होना क्या हो जाएगा, याद है, बिगट होना। जब आप किसी कौम यानी अपने देश के प्रति, अपनों के प्रति बहुत अहंकार की भावना रखते हैं, कट्टर हो जाते हैं, आपके अंदर अंध राष्ट्रीयता आ जाती है, यानी आपका राष्ट्र कभी गलत हो ही नहीं सकता है, अगर ये भावना आती है तो आप जिंगोइस्ट या शावनिष्ठ होते हैं। याद करें, जिंगोइस्ट इसी से बना है, शावनिष्ठ आपको याद होगा, CHAUVINIST, शावनिष्ठ मीन्स देश अहंकार से जो ग्रस्त हो। तो दिस इज जिंगोइज्म, देश अहंकार, अंध राष्ट्रीयता। अब फिलॉसफी ऑफ शॉर्ट मीनिंगफुल से प्लेगरिज्म नहीं होगा, क्योंकि प्लेगरिज्म क्या होता है, साहित्य चोरी होता है, यानी अलग अलग साहित्य में से चोरी करके अगर आप अपनी किताब लिखते हैं तो आप प्लेगियरिस्ट कहलाते हैं, और प्लेगियरिज्म आपका वो शब्द कहलाता है। अफोरिज्म क्या होता है, कहावत को कहते हैं, कोई जनरल ट्रुथ अगर है तो वो अफोरिज्म है, यानी कोई कहावत है। डाल्टोनिज्म क्या हो गया, लाल और हरे रंग के बीच में जो अंतर न कर पाए वो डाल्टोनिस्ट होता है, और वह शब्द डाल्टोनिज्म होता है। जिंगोइज्म क्या होता है, किसी देश के प्रति अत्यधिक अहंकार अर्थात अंध राष्ट्रीयता, देश अहंकार को जिंगोइज्म कहते हैं, इसे शावनिज्म भी कहते हैं। तो अगर हम सेइंग की बात करें क्या हो जाएगा, अफोरिज्म, मींस कोई सेइंग, कोई मैक्सिम, याद है ना आपको, ये अफोरिज्म होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आपके सामने, द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मीन्स मानव निर्मित कलाकृतियां जो होती है उन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटेड बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिटन रिकॉर्ड्स के पहले का जो समय है उसे हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। समझ सकते होंगे, प्री पहले, हिस्ट्री मीन्स जो इतिहास से लिखा गया है, टाइम्स यानी इतिहास से पहले का जो समय है उसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स मीन्स प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके, तो डेटेड बैक टू सही है, या डेटेड बैक टू के स्थान पे आप क्या लेना चाहेंगे, डेटिंग बैक टू लेना चाहेंगे, अगर आप लेना चाहेंगे तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेगा, डेट बैक टू लेना चाहेंगे, डेट बैच टू लेना चाहेंगे, या फिर ऑलरेडी ये वाक्य क्या है आपका, ये शब्द सही है आपका, क्या लेना चाहेंगे। ये वाक्य जानते होंगे, जो बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं वो जरूर इन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में सॉल्व किया होगा। देखिए, डेटिंग बैक टू तो कभी नहीं, क्योंकि वर्ब ही नहीं रह जाएगी फिर आपकी, क्योंकि द म्यूजियम कलेक्शन यानी जो म्यूजियम संग्रहालय का जो कलेक्शन है इनक्लोड्स उसमें शामिल है, क्या शामिल है, आर्टिफैक्ट्स, मानव निर्मित कलाकृतियां, डेटिंग बैक टू प्री हिस्टोरिक, डेटिंग बैक टू गलत है, क्या होगा, डेट बैक्स भी नहीं होगा। डेट बैक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेट में आप एस जोड़ेंगे ना कि बैक में एस जोड़ेंगे, मेन वर्ब आपकी डेट है, और डेट बैक टू ये सही आपका है, क्योंकि यहां आर्टिफैक्ट्स क्या है, प्लूरल है, जब आर्टिफैक्ट्स प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, इसलिए यहां डेट बैक टू हो जाए। अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर फिर डेटेड बैक टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, द म्यूजियम्स कलेक्शन यानी उस म्यूजियम का जो कलेक्शन है उसमें शामिल है वो आर्टिफैक्ट्स जो डेट बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्रेजेंट इंडिफरेंट है, जो कहां लेकर जाती है, किस चीज से संबंधित है, वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स,
यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स को डेट बैक करते हैं, यानी उन चीजों से संबंधित हुए वो कलाकृतियां जो म्यूजियम के कलेक्शन में क्या है शामिल। तो आप आंसर जो हो जाएगा वो डेट बैक टू हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स प्लूरल है तो यही ऑप्शन आपके पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गर्ल हुम यू आर स्पीकिंग, वो लड़की हुम यू आर स्पीकिंग, वो लड़की जिससे आप बात कर रहे थे, टू वाई आई वॉज ऑन द फोन, जब मैं फोन पे बिजी था, इज माय कजिन, वो मेरी बहन है, चचेरी बहन। क्या गलत? The girl whom you were speaking to, यानी वो लड़की जिससे आप बात कर रहे थे, while I was on the phone, जब मैं फोन पर था बात कर रहा था, is my cousin। आप अगर एक चीज समझ रहे होंगे, ये जो is my cousin है ये किसके लिए है? The girl। ये तो सही, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब whom you were speaking to, जिससे आप बात कर रहे थे, ये गलत हो सकता है या सही हो सकता है? वाई, जब आई वॉज ऑन द फोन, जब मैं फोन पे बात करता, यहां तो कोई गलती नहीं दिख रही, वाई आई वॉज ऑन द फोन सही दिख रहा है, तो क्या गलत है, क्या गलती हो सकती है? ये आया हुआ था जल्दी ही पेपर में आप, गलत कहा है ये पोश गलत, जहां लिखा है द गर्ल होम, वहां क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि द गर्ल होम यू आर स्पीकिंग टू, अगर आपको याद हो हु वाले वाक्यों का पैसेज, चलिए मैं बोल रहा हूं, हु हैज डन दिस वर्क, तो आपके टीचर ने जरूर बताया होगा कि दो ऑप्शंस आपके पास है, कौन से? पहला, बाई होम हैज दिस वर्क बीन डन, जब आपने बाई लिया तो फिर बाई के साथ क्या हो गया था? होम हो गया, ऑब्जेक्टिव आ गया। लेकिन यही बात आपके टीचर ने जरूर आपको बताएगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, हु हैज दिस वर्क बीन डन बाय, जब बाय आपने लास्ट में ले लिया, प्रीपोजिशन लास्ट में ले लिया, तो आपने होम को हु में बदल लिया। ध्यान से वाक्य को देखें, या तो टू यहां से हटाइए आप, ये जो टू है वो कहां ले आइए, या तो ये ना, तो द गर्ल टू होम यू आर स्पीकिंग सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये टू यहां दिया गया है, ये होम क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। यहां पर दोनों ऑप्शंस हैं, है ना, द गर्ल टू होम यू आर स्पीकिंग तभी सही होगा, व्हाइल आई वाज ऑन द फोन इज माय कजिन, या द गर्ल होम यू आर स्पीकिंग टू, यानी जो होम है बदल जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन यहां पे है, ये नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, हु हो जाएगा, और अगर यहां से यह प्रीपोजिशन यहां से यहां ले आते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद आप जानते हैं प्रोनाउन या नाउन कौन से केस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए whom यहां से क्या हो जाएगा? Who, ये, क्योंकि यहां पर आपका टू दिया गया है। ओके, चलिए अब अंतिम प्रश्न धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं, 17th प्रश्न आ गया हमारे सामने, वॉयस का है, कर लेंगे आप। पीपल बिलीव दैट विचेस, विचेस मीन्स समझते होंगे चुड़ैलों को कहा जाता है या जो जादूगरनियां होती हैं उनको कहा जाता है। पीपल बिलीव दैट विचेस कम्युनिकेटेड विद द डेविल, जो जादूगरनियां होती थी वो डेविल के साथ कम्युनिकेट करती थी, उनसे बातचीत करते थे। क्या द विचेस दैट विचेस कम्युनिकेटेड विद द डेविल इज बीइंग, कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं, ए को खारिज करते हैं, यानी ए कभी नहीं होगा। इट वॉज बिलीव दैट द विचेस हैव कम्युनिकेटेड, न तो इट वॉज बिलीव्ड होगा और न ही द विचेस हैव कम्युनिकेटेड होगा, क्योंकि यहां कम्युनिकेट विद आपका है ही नहीं इस तरीके का। सी है, इट वॉज बिलीव्ड दैट विचेस कम्युनिकेटेड विद द डेविल सही है, और आगे That which is communicated with the devil has been, है ही नहीं कहीं has been आपका,
यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल इजी कर लेंगे आप वॉइस के क्वेश्चन। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं, नरेशन का एक प्रश्न है आपके सामने। आई डोंट नो द वे, मुझे रास्ता नहीं पता है। डू यू, क्या तुम्हें पता है? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। कौन सा हो? ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे एंड आई न्यू इट, एंड आई न्यू इट। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट नो द वे एंड आस्क्ड मी वेदर आई डिड। ही सेड टू मी दैट आई शुड फाइंड द वे फॉर हिम, ऐसा कहा क्या उसने? He asked me to show the way as he did not know, क्या उसने दिखाने के लिए कहा क्या? जब भी होगा ए होगा कि he said that he did not know the way, उसने कहा कि वो रास्ता नहीं जानता है, and I knew it, और मैं जानता हूं। क्या उसने ऐसा कहा कि मैं जानता हूं? उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूं, तो ए नहीं हो सकता। He told me that he did not know the way, उसने कहा कि वो रास्ता नहीं जानता है, एंड आस्क्ड मी, और उसने मुझसे पूछा whether I did, कि क्या मैं जानता हूं। सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी ये जो बी है आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। कॉमन एरर फेस कर लेंगे आप। द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप टू राइट, अध्यापक ने उनसे कहा टू स्टॉप टू राइट, को लिखना बंद कर दें, एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, नहीं जैसे ही घंटी बजी अध्यापक ने उनसे कहा कि वो लिखना बंद कर दें। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल पे है, आपको आना चाहिए। क्या गलत है? अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। द टीचर आस्क्ड देम, टीचर ने उनसे कहा टू स्टॉप टू राइट, कि वो लिखना बंद कर दें, एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजे, जैसे ही घंटी बजी टीचर ने कहा कि वो लिखना बंद कर दें। क्या आपको लगता है यहां एरर है? द टीचर आस्क्ड देम सही है। जिन बच्चों को लग रहा हो कि सर आस्क्ड कैसे हो जाएगा, उन्होंने पूछा नहीं ना, वो बच्चे जाने, कहने के सेंस में भी आप आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, कुछ मांगने के सेंस में भी आप आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, तो यहां कोई एरर नहीं, सही है। टू स्टॉप टू राइट, ये सही है या गलत ये आपको तय करना है, सही या गलत। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन्हें मैंने बताया था कि स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है और फुल इंफिनिटिव भी आ सकता है, लेकिन दोनों का फर्क समझना होगा। और आपको एग्जाम्पल मेरा याद होगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जाते जाते अचानक आपको कुछ याद आ गया, तो यू स्टॉप्ड टू। अब जो कार्य करने को आपको याद आया उसके लिए आप करें। जैसे मान लीजिए मुझे सिगरेट पीने की आदत है, ओके है नहीं सोचे अभी मत, तो मुझे मान लीजिए सिगरेट पीने की आदत है और मैं चल रहा हूं, और फिर अचानक मुझे याद आया अरे यार मुझे सिगरेट पीना था, तो आई स्टॉप्ड टू स्मोक, ये हो जाएगा ना, आई स्टॉप टू स्मोक, यानी कोई कार्य करने के लिए रुकना स्टॉप टू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को करना ही बंद कर दिया, जैसे मैं कभी स्मोकिंग करता रहा हूं और फिर किसी ने पूछा और भाई सिगरेट वगैरह चलेगा, मैं क्या बोलूंगा? नहीं, मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है, यानी मैंने स्मोकिंग करना बंद कर दिया है। तो ध्यान से देखें, द टीचर आस्क्ड देम, अध्यापक ने उनसे कहा टू स्टॉप टू राइट, उन्होंने ये नहीं कहा टू स्टॉप रुक जाओ, टू राइट लिखो, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि लिखना क्या कर दो, बंद कर दो। तो जब लिखना बंद करो तो यहां टू राइट नहीं हो, क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइटिंग एज सून एज द बेल रैंग हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल पे है, याद करेंगे काम आएगा। और कभी कोई कंफ्यूजन हो मेरी वीडियो फिर से देख लिया करें, तो आप उसे और फिर बेहतर तैयार कर लेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो ये आपके सामने है 20वां प्रश्न मेरा। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट माइनर मिस्टेक्स शी हैज मेड,
एंड यू आर स्पॉइलिंग हर फॉर दैट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट माइनर मिस्टेक्स. यह सबसे छोटी कमियों में से एक है. शी हैज मेट, जो कमियां उसने दिखाई हैं, एंड यू आर स्पॉइलिंग हर फॉर दैट, और आप उसके लिए उसे क्या कर रहे हो, डांट रहे हो. दिस इज द सेंटेंस. क्या गलत है? दिस इज वन ऑफ, सही है, द मोस्ट माइनर मिस्टेक्स. मिस्टेक्स तो सही है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है. शी हैज मेड, जो गलतियां उसने की हैं, ये भी सही है. एंड यू आर स्पॉइलिंग हर फॉर दैट, ये भी सही, और आप उसे उसके लिए डांट रहे हो. गलत कहां है? ये जो माइनर के पहले आपने क्या लगाया, मोस्ट लगाया. माइनर के पहले आप मोस्ट का प्रयोग वैसे ही नहीं करते हैं जैसे आप चीफ के पहले, जैसे आप सुप्रीम के पहले, जैसे आप सर्कुलर के पहले, जैसे आप ट्रायंगुलर के पहले, जैसे आप रेक्टेंगुलर के पहले, जैसे आप राइट के पहले, जैसे आप रॉन्ग के पहले, जैसे आप कोई भी ऐसा वर्ड जो खुद में यूनिवर्सल, यानी इनके पहले आप मोस्ट या मोर का प्रयोग नहीं करते हैं. या जो माइनर के पहले मोस्ट है वो क्या है, गलत है. यानी यहां पे जो आंसर होगा आपका हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द माइनर मिस्टेक्स. यानी ये मोस्ट माइनर के पहले जो है वो हटा दिया. और आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज आल्सो सेंटेंस अरेंजमेंट. मेहनत वाला क्वेश्चन है. ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हार्डवर्क करना चाहते हैं, जिन लगता है कि को हम करके दिखाएंगे वो करें. देखें, जल्दी से देखें फिर हमको बताएं. बहुत आसान, अच्छे से देखेंगे आराम से आप समझ जाएंगे. दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताया जा रहा. इज द वनली वन, ये इकलौता ऐसा है इन द कंट्री, इस देश में, टू हैव रनवेज, जिनके पास रनवेज है, इक्विप्ड विद CAT IIIB इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम. ये जो CAT IIIB है, ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, यानी जहाजों के उतरने की एक प्रणाली होती है. तो भारत में दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इकलौता ऐसा इस देश में एयरपोर्ट है जिसके पास ऐसे रनवेज हैं जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से इक्विप्ड है, मीन्स सुसज्जित है. दिस टेक्नोलॉजी गाइड्स, हो सकता है ये टेक्नोलॉजी अगर सोचेंगे पहले ही मिल जाएगा. दिस टेक्नोलॉजी गाइड्स पायलट्स, इससे पायलट्स को कहेंगे मदद मिलती है टू लैंड, कि वो नीचे उतर सके, इवन व्हेन उस समय भी विजिबिलिटी इज कट टू 50 meters, जब विजिबिलिटी केवल कितना हो, 50 मीटर तक ही हो, उसके आगे दिख न रहा हो, उस अवस्था में भी ये टेक्नोलॉजी जो है उन पायलट्स की क्या करती है, मदद करती है. This is because, ये तो कभी नहीं आएगा, नहीं ना? क्या अभी हमने कुछ कहा है? हमने तो बस टेक्नोलॉजी वगैरह की बात की है, रनवेज वगैरह की. तो दिस इज बिकॉज नहीं आएगा. फाइंडिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर सच फेलियर, अभी फेलियर हुआ ही नहीं तो कैसे आएगा. हाउ एवर इट फेल्स टू ऑपरेट ऑफन, अक्सर ये टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है. कौन सी टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी मीन्स ये टेक्नोलॉजी, यानी आप समझ रहे होंगे, जब भी आएगा भाई ऑफ इट फेल्स टू ऑपरेट, ये इट किसके लिए है? दिस टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए. यानी ये जो एस है आपका, ये जब भी आएगा किसके बाद आएगा, पी के बाद आएगा. यानी पी और एस एक साथ आएंगे आप, और ये तय है कि पी पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी जो है ये टेक्नोलॉजी गाइड करती है. कौन सी टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी. और ये टेक्नोलॉजी फेल्स टू ऑपरेट ऑफ एन, अक्सर फेल कर जाती है ऑपरेट होने, यानी पी के बाद एस. चलिए देखते हैं, नहीं है, नहीं है, है, और यहां भी नहीं. हो गया आंसर आपका, सोचे सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत इजी है आपका. मेहनत करें, ज्यादातर बच्चे करते क्या है, हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और उनका स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं, और बड़े सेंटेंसेस को देख करके घबरा जाते हैं. आप जिस दिन इन्हें हिंदी में समझना शुरू कर देंगे, उस दिन आप देखेगा आसान हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे. आप इसे अच्छे से पढ़िएगा फिर से, फिर आप मुझे याद करेंगे कि हाँ कैसे आपने कर लिया, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका.
A building in which aircraft are housed, यानी वो इमारत जहां पे एयरक्राफ्ट को हाउस के अंदर रखा जाता है, वो बिल्डिंग डॉकयार्ड है, वो बिल्डिंग गैराज है, वो बिल्डिंग हैंगर है, या फिर वो ग्रैनरी है। ग्रैनरी तो कभी नहीं होगा, ग्रैनरी अन्न भंडार को कहते हैं, जहां पे हम ग्रेन्स वगैरह रखते हैं वो ग्रैनरी होता है। गैराज भी नहीं होगा, गैराज क्या होता है, जहां पर मोटरसाइकिल वगैरह बनवाते हैं ये गैराज होता है या रखा जाता है। डॉकयार्ड भी नहीं होगा, डॉकयार्ड क्या होता है, जहां जहाजों का निर्माण होता है, जहां पर जहाजों का निर्माण होता है वो डॉकयार्ड होता है। हो गया आंसर, गैराज मोटरसाइकिल्स वगैरह के लिए होता है, ग्रैनरी अन्न भंडार होता है, डॉकयार्ड जहां उनका निर्माण होता है, तो अगर वो रखे जा रहे हैं क्या है वहां पे, वो हैंगर है, जहां उन जहाजों को टांग दिया जाता है, रख दिया जाता है, उसे हैंगर कहते हैं। याद कर लीजिएगा चारों ओर से। 23वें प्रश्न पे आ गए हम लोग, और ये अच्छा क्वेश्चन लेवल पे है। हैविंग डिसीव्ड बाय द ऑफिसर, यानी ऑफिसर के द्वारा धोखा खाने के बाद ही लॉज्ड और रिपोर्ट अगेंस्ट हिम, उसने उसके खिलाफ क्या कर दी, एक रिपोर्ट दायर कर दी, यानी FIR कर दिया उसने। क्या कर दिया, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल पे अगर आप ग्रामर जानते हैं तो आप कर लेंगे। क्या लग रहा हैविंग डिसीव्ड बाय द ऑफिशियल, यहां कोई गलती है, ही लॉस्ट यहां कोई गलती, वैसे जब आप कोई रिपोर्ट लॉस ही करते हैं, सही है, ही लॉस्ट और रिपोर्ट, उसने एक रिपोर्ट दायर कर दी अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, ये भी सही है। क्या गलत है, क्या आपको कहीं लग रहा है कि ए में गलती है, क्या यहां कोई गलती है, क्या है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर आप लिखेंगे हैविंग डिसीव्ड तो ये एक्टिव पास में होगा, हैविंग डिसीव्ड और फिर यहां है बाय द ऑफिशियल, ये स्ट्रक्चर किसका है, पैसिव पास का है, ये स्ट्रक्चर पैसिव का है और ये स्ट्रक्चर एक्टिव का है। अब हम ये देखें कि हमको एक्टिव का स्ट्रक्चर देना है या पैसिव का, तो उस ऑफिसर से धोखा खाने के बाद उसने लॉस किया, यानी उसने धोखा नहीं दिया था, हैविंग रिसीव्ड उसने धोखा नहीं दिया था, उसको धोखा दिया गया था किसके द्वारा, उस ऑफिसर के द्वारा। जब ये पैसिव पास्ट होगा तो हैविंग के बाद क्या आ जाएगा, ये जो हैविंग है इसके बाद आपका ये आ जाएगा बी हो जाएगा, या हैविंग रिसीव्ड नहीं होगा, हैविंग बीन रिसीव्ड हो जाएगा, क्योंकि बाय द ऑफिसर और वाक्य को पूरा पढ़ करके आपको लगेगा कि ऑफिसर के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद, यानी उसने नहीं दिया, ऑफिसर के द्वारा धोखा दिया गया, तो हैविंग बीन डिसीव्ड हो जाएगा। ओके, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24th पे आ गए हम लोग, बिल्कुल एडियम्स एंड फेजेस है आपके हैं, आपको बताना है कि वेट बिहाइंड द ईयर्स का क्या हो, wet behind the ears, drenched in the rain, बारिश में भीग जाना होता है, wet हो जाना होता है, unpunctual and lethargic, या जो समयबद्ध न हो, lethargic हो, means dull हो, सुस्त हो, आलसी हो, stupid and slow-witted, बेवकूफ हो and slow-witted, उसकी बुद्धि धीमी काम करती हो, वैसे जो बेवकूफ होगा अपने आप slow-witted हो जाएगा, यंग हो एंड इनएक्सपीरियंस्ड हो, मीन्स अभी छोटा हो और अनुभव की कमी हो, क्या हो, याद है आपको वेट बिहाइंड द ईयर्स, याद है वेट बिहाइंड द ईयर्स इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस, जिस व्यक्ति के पास अनुभव की कमी होती है ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी यंग एंड इनएक्सपीरियंस, यानी कोई छोटा हो उम्र में और उसके पास अनुभव की कमी हो, वह ये हो जाएगा, यानी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, याद कर लीजिएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉमन एरर, द ऑफिसर अक्विटेड वेल, ऑफिसर ने प्रशंसनीय कार्य किया, इवन इन दैट एडवर्स कंडीशन, उस विपरीत परिस्थिति में भी, सो इसलिए पीपल ऑफ दैट एरिया
या उस एरिया के लोग, इसलिए अपलॉडेड हिम, उन्होंने उसकी क्या की, प्रशंसा की। क्या गलत है? आपको तुरंत आना चाहिए यदि आपकी मेमोरी अच्छी है। यदि आपकी मेमोरी अच्छी हो तो आप जैसे ही शुरू करेंगे आपको आ जाए। ध्यान से देखें, द ऑफिशियल अक्विटेड वेल, क्या अक्विटेड कुछ याद दिला रहा है आपको? क्या प्रोस्ट्रेट कुछ याद दिलाता है आपको? क्या बिजी कुछ याद दिलाएगा? क्या रिजाइन याद दिलाएगा? क्या रिकनशाइल याद दिलाएगा? क्या कॉन्डक्ट याद दिलाएगा? क्या एक्मोडेट याद दिलाएगा? क्या एक्लिमेटाइज याद दिलाएगा? क्या आपको प्राइड याद दिलाएगा? क्या आपको एब्सेंट याद दिलाएगा? क्या आपको प्रेजेंट याद दिलाएगा? बिल्कुल याद दिलाना चाहिए कि जहां पे भी आप इन वर्ब्स का प्रयोग करेंगे, उन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। तो द ऑफिसर अक्विटेड वेल, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए, द ऑफिसर अक्विटेड हिमसेल्फ वेल हो जाएगा। सिंगुलर है इसलिए यहां पे हिमसेल्फ होगा, द ऑफिसर अक्विटेड हिमसेल्फ वेल। ये रूल जरूर तैयार करेगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस कमी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपका, ये क्वेश्चन, ये मैंने वो कमी पूरी की, एक्चुअली कल 24 क्वेश्चंस रह गए थे तो मैंने आज 26 कर दिया, इसे मैंने कंपेंसेट किया, समझ रहे हैं, कंपेंसेट किया। ओके, तो सिनोनिम आपका सिंगल सिनोनिम है विशिष्टियोस, क्या सिनोनिम होगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लग रहा है आपको? विशिष्टियोस सारों को कहते हैं, वैसे यहां डबल एस रहेगा, सिंगल मैंने लिख दिया, डबल एस रहेगा। विशिष्टियोस सारोस को कहते हैं जो दुख होते हैं, मिसफॉर्च्यून्स को कहते हैं जो दुर्भाग्य होता है, चेंजेस को कहते हैं जो परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उलट फेर होते हैं, या सरप्राइज को कहते हैं जो आश्चर्य होता है। ध्यान रखिएगा डबल एस रहेगा। क्या गलत है आप? सारोस, चेंजेस, मिसफॉर्च्यून, सरप्राइज, ये कब आएगा? जब आपको पहले विशिष्टियोड की मीनिंग आएगी। विशिष्टियोड क्या होता है? उलट फेर को कहते हैं, जीवन में जो विशिष्टियोड्स आते रहते हैं, उलट फेर आते रहते हैं, उन्हीं को हम चेंजेस कहते हैं, मीन्स बदलाव, उलट फेर। तो विशिष्टियोड का सिनोनिम हो जाएगा चेंजेस, बाकी मीनिंग सब जानते हैं ऐसे है। ये परफेक्ट पैकेज है आपका, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप आराम से इसे धीरे धीरे क्या करते जाएं, तैयार करते जाएं। मुझे भी खुशी होगी यदि आपकी बेहतर प्रिपरेशन होती है। वीडियो थोड़ी सी आपकी लेंदी हो जा रही है, बट मैं चाहूंगा अच्छे से आप समझ लें ताकि इसका आपको फायदा मिले। मैं फास्ट पढ़ा करके कम समय ले सकता हूं, मुझे ही फायदा होगा, लेकिन इससे आपका नुकसान होगा। इसे थोड़ा बहुत अगर कुछ मिनट्स अगर आपके इनहेंस कर जा रहे हैं, एक्सटेंड कर जा रहे हैं, तो आप कहीं कहीं आपने मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सबसे जरूरी चीज क्या है, आप इसे तैयार कर। चलिए कल इसी समय पे हम आपको फिर 9 बजे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।